दोस्तों शायद ही ऐसा कोई शख्स होगा जो इस बात से अनजान हो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत जोड़ी कैटरीना कैफ और विक्की कौशल बीते दिन 9 दिसंबर को एक दूसरे के साथ शादी रचा चुके हैं और अपनी जिंदगी की नई शुरुआत कर चुके हैं। जिनकी शादी जयपुर के सिक्स सेंस फोर्ट में हुई थी, जिन्होंने दुल्हा दुल्हन के लिबास में वायरल हुई अपनी इन तस्वीरों से फैंस द्वारा खूब सुर्खियां भी बटोरी है। और अब बताया जा रहा है कि शादी के बाद ये खूबसूरत कपल अपने घर पहुंच चुके हैं और कैटरीना कैफ का अपने लाइफ पार्टनर विक्की कौशल के घर में वेलकम भी हो चुका है, जहां उनका स्वागत बेहद ही रॉयल तरीके से किया गया था। और इसी बीच खबरें सामने आ रही हैं कि शादी के बाद पहली बार कैटरीना कैफ ने अपने पति बन चुके विक्की कौशल के लिए हलवा बनाया है, वो भी गाजर का। आखिरकार विक्की कौशल गाजर के हलवे के इतने दीवाने जो हैं? जी हाँ, बता दे कि विक्की कौशल हमेशा से गाजर के हलवे के दीवाने रहे हैं। जो बात कैटरीना कैफ को तब पता चली थी जब दोनों शादी से पहले एक दूसरे को डेट कर रहे थे और इसी दौरान उन्होंने विक्की कौशल की इस पसंद के साथ साथ और न जाने कई पसंद के बारे में भी जाना था। तभी तो उनकी इस पसंद को ध्यान में रखकर इन्होंने शादी के बाद अपने पति के लिए पहली बार गाजर का हलवा बनाया है, जो कि बाकी दूसरे लोगों की तरह ही मानती हैं कि पति को खुश करने का रास्ता उसके पेट से होकर गुजरता है। यही नहीं बल्कि बताया तो ये भी जाता है कि शादी के कार्ड छप जाने के दौरान ही इन्होंने विक्की कौशल से ये वादा किया था कि वो शादी के बाद ससुराल में अपने हाथों से जो पहली डिश बनाएंगी वो उनके पति के पसंद का गाजर का हलवा ही होगा, जिनके इस बात से विक्की कौशल भी काफी खुश होते हुए नजर आए। वेल दोस्तों, कैटरीना कैफ ने तो अपने पति के पसंद का गाजर का हलवा बनाकर उन्हें खुश कर दिया है, लेकिन आप इस खूबसूरत जोड़ी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।